सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश की राजनीति महत्वपूर्ण है और राजनीति के बीच चर्चाएं महत्वपूर्ण है, चर्चाओं के बीच संघर्ष महत्वपूर्ण है और संघर्ष के बीच व्यवस्थाएं महत्वपूर्ण है और रणनीति महत्वपूर्ण है। चुनाव में और चुनाव यहाँ पर चर्चाएं हो रही है 24 चुनाव को लेकर, क्योंकि यहाँ पर चुनाव तो विधानसभा के भी होने हैं और हो सकता है कि जम्मू और कश्मीर में भी चुनाव हो जाए, पर यहाँ चर्चाएं चल रही हैं तो केवल और केवल आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव 2024 की, और सभी लोग इसके लिए प्रयास करते नजर आ रहे हैं। रणनीतियां बन रही हैं, जहां हार रहे हैं उसको बेहतर करने के लिए और जहां जीते हैं वो साख बचाए रखने के लिए, और होना भी चाहिए। पर इस दौरान जहां पर रणनीति की बात करें तो बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हुए मेहनत करती नजर आ रही है। बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी, और खैर हम अपने चुनाव की व्यवस्थाओं को क्या कहें, यहाँ पर कभी पंचायत चुनाव, कभी प्रधानी चुनाव, कभी राज्यसभा सांसदी चुनाव, कभी विधानसभा चुनाव, कभी लोकसभा चुनाव, यहाँ चुनाव चलते रहते हैं। चुनाव की जो व्यवस्था है वो सभी राज्यों में चलती है। बड़ा देश है, बड़ा लोकतंत्र है, इसलिए विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। और व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो बीजेपी यहाँ पर रैली कराने जा रही है, 1 से 20 जून तक रैलियां रहेंगी, 80 लोकसभा क्षेत्र में रैली रहेंगी उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा जगह जगह लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। कारण क्या है कि जो हैट्रिक की बुनियाद बीजेपी रखने का प्रयास कर रही है उसको यहाँ पर बेहतर करना है। उत्तर प्रदेश के रास्ते यहाँ पर केंद्र की सबसे बड़ी कुर्सी का रास्ता जाता है, तो अगर उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूत कर लिया या पुराना प्रदर्शन दोहरा लिया तो आपके लिए लाभ रहेगा। तो भाई विपक्षी एकता भी यहाँ पर प्रयास करती नजर आ रही है, और कर्नाटक और हिमाचल चुनाव से जहां पर कांग्रेस पार्टी को संजीवनी मिली, और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर पूरी मेहनत के साथ बीजेपी से दो दो हाथ करने के लिए तैयार बैठ चुकी है। उनका कहना है कि इस बार हम बीजेपी को पूरी शिद्दत के साथ हराएंगे। और विपक्षी एकता में तमाम बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की भी बात होती है, यहाँ टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात भी होती है, यहाँ स्टालिन की बात भी होती है, यहाँ सिद्धरमैया की बात भी होती है, और तमाम बड़े नाम है उनकी बात भी होती है। और नीतीश कुमार की बात के बिना तो विपक्षी एकता की बात करना संभव ही नहीं है, कि बिहार बड़ा राज्य है और अशोक गहलोत में भी यहाँ पर राजस्थान में अगर बेहतर प्रदर्शन दोहरा गए तो शायद विपक्षी एकता को और मजबूती मिलेगी। पर 24 चुनाव है, 1 साल से कम का समय बाकी है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहां पर रणनीति के अलावा जो महत्वपूर्ण चर्चा विषय वो ये है कि चुनाव चुनाव चुनाव, रणनीति रणनीति रणनीति, जनता के मुद्दे कुछ नहीं। सभी पार्टियां यह चुनाव में लगी हैं क्योंकि सबको केंद्र की कुर्सी चाहिए, पर जनता के लिए यहां कोई खड़ा होने वाला नजर नहीं है। प्राइम टीवी हमेशा इस तरह की डिबेटों को उठाता है और फिर डिबेट को यहां पर उठाया है, और प्राइम टीवी अपने माध्यम से हमेशा जनता की बात उठाने आई है। वो आज फिर मैंने वही मुद्दा रखा है, और मुद्दा मैंने रखा है कि अगर चुनाव 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 रणनीति 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 रहेगी तो जनता की बात यहाँ कौन करेगा? जनता की बात अगर कोई नहीं कहेगा तो प्राइम टीवी करेगा, और यही आज का हमारा चर्चा विषय है, महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। मेहमान नेता भाजपा से सवाल भाई अपनी बात रखेंगे, नेता सभा से विवेक पांडे अपनी बात रखेंगे, गजेंद्र त्रिपाठी भाई समाज सेवी अपनी बात रखेंगे, सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी के फॉरवर्ड प्रवक्ता अपनी बात रखेंगे, और प्रवक्ता रालोद से वेद प्रकाश मिश्रा अपनी बात रखेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबार भाई, चुनावी मोड में रहने वाली आपकी पार्टी, या मैं नहीं बोलता आप ही बोलते हैं, खैर आप ये भी बोलते हैं हमेशा जनता के लिए लड़ने वाली पार्टी है, पर जनता के लिए अभी यहां लड़ाई तो नजर नहीं आ रही। यहां पर तो अभी फिलहाल निकाय चुनाव था और सभी जद्दोजहद थी, रैलियां होती हैं, जनसभाएं होती हैं, रणनीति बनाई जाती है, मेहनत होती है, पर जनता के मुद्दों के लिए नहीं, मेयर की सीटों के लिए, नगर पालिका की सीटों के लिए, चेयरमैन की सीटों के लिए। चलो चुनाव भी हो गए, अब गणित क्या है? अब गणित यहाँ पर चुनाव का आ गया, यानी लोकसभा चुनाव, इसके लिए रैलियां होने वाली हैं, यानी अभी बरसात आने वाली है। तैयारी क्या है? संक्रामक रोग फैले की तैयारी क्या है? विकास का मॉडल क्या है? स्मार्ट सिटी की परिकल्पना क्या है? बातें क्या हैं? अब आप कहेंगे कि हाँ वो काम चल रहे हैं, उन पर हमेशा काम चलाया जा रहा है, मुझे पता है, पर क्या केवल चुनाव से हमारे देश विकासशील से विकसित हो पाएगा? क्या केवल चुनाव की व्यवस्थाओं से हम आगे बढ़ सकेंगे? क्या केवल चुनाव से हम विश्व की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में बेहतर हो पाएंगे? क्या केवल चुनाव से हम अपने आप को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में खड़ा कर पाएंगे? सबर से जवाब आपको लेना है। गौरव भाई, सभी को मेरा नमस्कार जी। देखिए, चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और चुनाव इस देश में 1947 से होते रहे हैं और होते रहेंगे जी।
क्योंकि जो पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ेंगी और चुनाव लड़ने के बाद सत्ता में आती हैं, और जो सत्ता में नहीं आ पाती हैं वो विपक्ष में रहती हैं। मैं ये कहना चाहूंगा जी कि चुनाव इस देश में 1947 से हो रहे हैं, तब में और 14 के बाद जब मोदी जी आए हैं सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर के, और उस चीज को सबका साथ सबका विकास को जो है वो जमीनी स्तर तक पहुंचाया है। अब आप बात करेंगे कि अभी लोक से नगर निकाय का चुनाव हुआ, देखिए केंद्र और प्रदेश की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने के लिए नगर निकाय का जो चुनाव है वो बहुत ही अहम एक कड़ी है। अच्छा, क्योंकि उसको जब हमारे केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश में हमारी सरकार है, और जब हमारे नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव में हम लड़ करके और जीत कर जब हमारे प्रत्याशी आते हैं तो उन योजनाओं को ईमानदारी के साथ धरातल तक और जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। अच्छा। इसलिए नगर निगम का चुनाव भी कोई भी चुनाव सबका वो एक अहम चुनाव होता है, उसको किसी छोटे या बड़े छोटा चुनाव बोल ही नहीं रहा भाई, मैं तो जनता की बात कर रहा हूँ। देखिए जनता आप नहीं करेंगे मैं तो करूंगा, विपक्ष नहीं करेगा बिल्कुल आप करिए, मैं सिर्फ उस पर मैं ये कहना चाहूंगा हमको जनता ने सबका साथ सबका विकास के साथ केंद्र में पहुंचाया। उसके बाद 17 का चुनाव हुआ, 17 में उत्तर प्रदेश में हमें जो है जनता ने दिया, उसके बाद 22 में हमें दिया, फिर 19 में हमें फिर हमें केंद्र में बैठा लाया, और 24 के चुनाव, क्योंकि तैयारी तो जाहिर सी बात है हम राजनीतिक दल हैं, तैयारियां हमारे कार्यकर्ता जो हमारी पार्टी के नीचे से बूथ से लेकर के प्रदेश तक और केंद्र तक लोग होते हैं सभी करते हैं, सभी दलों में चुनाव की तैयारी करते हैं। लेकिन हम ये दावे के साथ कहना चाहेंगे कि जो आपने बताया कि रैलियाँ हो रही, रैलियाँ भी होती हैं, और जो विकास का मैं आपको बताऊँ, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है आप देखिए जो भी योजनाएं हैं वो धरातल तक जो है वो पहुंच रही हैं, और जो उसके मुस्तहक हैं उन सबको उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो जो है क्या कहते हैं राशन की योजना हो, वो सभी लोगों को सभी को बराबर से पहुंच रही है। और जो अन्य दल थे वो जो हिंदू मुस्लिम की बात करते थे, हमारी पार्टी सबका सफल हो गई होती सवार भाई तो बेरोजगारी कहाँ होती, सारे व्यवसाय खो चुके होते, एक आदमी 100 को रोजगार दे देता, देखिए फिर रोजगार की बात ही नहीं होती। देखिए रोजगार जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोगों को मिला है, अच्छा, और जितना विकास ये आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग मुझे लगता है 25 मेडिकल कॉलेज बने हैं, 10 का ही अभी हो सकता है कि टेंडर होने वाला हो। अच्छा, अच्छा। और आप देखिए एक्सप्रेसवे जितना एक्सप्रेसवे का जो जाल फैला इस देश के अंदर, आज आपको अगर दिल्ली जाना हो तो आप 4-5 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे, आपको पूर्वांचल जाना हो पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है, ये सारे जो चीजें हैं वो जनता के लिए ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और विपक्ष है, विपक्ष भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए काम करती है, विपक्ष को खुश करने के लिए काम नहीं करती, इस चीज को ध्यान में रखें। विपक्ष भी जनता में आता है, विपक्ष अलग से आता है क्या? विपक्ष का मतलब होता है दूसरे राजनीतिक दलों के लोग। अच्छा। मैं उनको खुश करने की बात कर रहा हूँ। अच्छा। जनता के लिए काम करते हैं, जनता हमको चुन के भेज रहे, जनता खुश है, जनता हमारी पार्टी से खुश है, हमारी योजनाओं से खुश है, और जो लाभ उनको पहुंच रहा है उससे प्रसन्न है। ये आपको 24 के चुनाव में दिख जाएगा कि जनता किसके पास किसके साथ। ठीक है देव पांडे भाई, यहाँ सत्ता पक्ष की बात तो कर ली, अब आपकी बात भी कर लें भाई। जनता यहाँ भी बैठक हो रही है, यहाँ भी रणनीति बनाई जा रही है। अखिलेश यादव लगातार विपक्ष को लामबंद करने में लगे हुए हैं, बड़े नेता हैं, बड़ा नाम है, और निश्चित रूप से उनकी पार्टी की 4 बार सरकार प्रदेश में रही है। पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज का मेरा विषय है वो ये है कि यहाँ भी केवल और केवल अपनी रणनीति को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है, कुर्सी को पाने के लिए या कुर्सी से बीजेपी को हटाने के लिए भाई कवायद चल रही है। जनता के मुद्दों के लिए, चाहे वो संक्रामक रोग से व्यवस्थाओं से लेकर हो लड़ने से, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें, चाहे बेरोजगारी की बात करें, चाहे विकास की बात करें, चाहे सफाई की बात करें, चाहे प्रदूषण की बात करें, और जनता हमेशा इनसे रूबरू होती है। और आपको पता है कि महज 1 महीने बाद बरसात शुरू होने वाली है, वो जो स्थिति है सारे दावे सामने आएंगे, नालियाँ भी दिखेंगी, सैलाब भी दिखेंगे, और बाढ़ बीमारी भी दिखेगी। पर अगर सत्ता पक्ष के नाम कुछ नहीं हो रहा है, सत्ता पक्ष उसमें हीला बहाली कर रहा है, तो मजबूत विपक्ष की भूमिका आपको जनता ने दी है, वो मैंडेट आपको दिया है। मैंडेट अगर सपा रुसेर को मिला है तो मैंडेट बेबे पांडे को भी मिला है विपक्ष में बैठने के लिए, पर अब तक जनता के लिए सड़क पर नहीं दिखे। और भाई पूरे मंच को पहले तो अनुमोदन के साथ प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, और बड़े शिष्टाचार के साथ एक बात मैं जरूर कहूंगा कि आज मैं निकल रहा था जब
फन के रास्ते से वीआईपी रोड होते हुए जी, तो मेरी नजर पड़ी आज आकस्मिक मेरी नजर पड़ गई गोमती के ऊपर। अच्छा, और गोमती की जो दुर्दशा मैंने देखी मुझे वो दिन याद आ गया जब रिवर फ्रंट बनाया गया था। हाँ, रिवर फ्रंट की जांच हो रही थी, उसकी रिपोर्ट नहीं आई अभी तक। मुझे आ जाएगी 2.0 दूसरा कार्यकाल भी आ गया। अच्छा, चलिए ठीक है, आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि उस गोमती को देखने के बाद मुझे लगा कि जो स्थिति इस गोमती की है इससे बदतर स्थिति इस प्रदेश की है। अच्छा, एक समय था उस गोमती का पानी चमकता था, उसके अंदर स्टीमर चल रहे थे, बोट चल रही थी, लोग परिवारों के साथ अपने जाते थे सैर सपाटे करने के लिए, शाम को समय बिताते थे, लखनऊ लखनऊ लगता था। अच्छा, आज लखनऊ को पूरी तरीके से एक जंग रूपी किल में बदल दिया इन्होंने। अच्छा, एक लखनऊ की बात हो रही है अभी, ठीक है। और दूसरी बात, जनता की बात आपने की, बिल्कुल जनता की बात आपने की, बहुत धन्यवाद दूंगा इस देश की, प्रदेश की जनता को, विशेष करके जिन्होंने पुनः अपनी दुर्दशा कराने के लिए इनके लोगों को बिठा दिया है सत्ता में। कारण बता दूं, आते ही इन्होंने क्या किया, पहले तो बनारस में भू माफियाओं को जमीन देने के लिए आवासीय योजनाओं के नाम पे कब्जा करना शुरू कर दिया, किसानों को किस बेरहमी से पिटवाया, वही किसान जिनसे 48 घंटे पहले ये पैर छूके नाक रगड़ के वोट देने की अपील कर रहे थे, 48 घंटे में उसका रूप अगर वहां की जनता ने देखा और उनको लगता है कि उत्तम शासन है तो मैं बधाई दूंगा इस जनता को। 2000 की नोट, मुझे लगता है कि नोटबंदी 2.0 है, ये जैसे ये कहते हैं 2.0 योगी सरकार का कार्यकाल है। पहले कार्यकाल में आपको याद होगा कि जब रोज नोटबंदी, मुद्दा नहीं मेरे भाई, नोटबंदी मुद्दा नहीं, मुद्दा जनता का है। नोटबंदी तो मुद्दा हो नहीं सकता, सुन लीजिए, नोटबंदी तो मुद्दा हो ही नहीं सकता क्योंकि 2000 की नोट बंद करने वाले ये नहीं बता रहे कि 20,000 करोड़ अडानी के पास किसके हैं। अच्छा, ये तो बता ही नहीं सकते, अडानी पे तो बोल ही नहीं सकते। अच्छा, लेकिन आज जो 2000 की नोटबंदी ये करने जा रहे हैं, मैं एक सवाल यहाँ उठाऊंगा, जब पहली नोटबंदी हुई थी मुझे याद है कि 15 लाख नौकरियां तत्काल प्रभाव से चली गई थी लोगों की, बिल्कुल गई थी। क्या ये 2000 की नोट जो कि अब मार्केट में फिर से उसी प्रचलन में उसी तरीके से असहजता उत्पन्न कर रही है जनता के बीच में? अच्छा, व्यापारी छोटे व्यापारी को दे रहा है तो वो नहीं ले रहा। आज मेरे सामने का ही एक उदाहरण दे रहा हूँ, चौक में एक व्यापारी पेमेंट कर रहा था छोटे व्यापारी को, उसने हाथ जोड़ लिया कि भैया मैं छोटा व्यापारी हूँ, मैं 2000 की नोट से पेमेंट नहीं लूंगा। अच्छा, तो ये समझाने में नाकाम रहे हैं अपनी नीतियों को, अपनी योजनाओं को, जनता के अंदर विश्वास पैदा जो इन्होंने करने का एक काम मुझे लगता है अगर कुछ किया भी था वो ये खो दिया इन्होंने। अच्छा, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, किस कानून व्यवस्था की बात करते हैं और किस जनता की बात करेंगे ये भाई? एक हफ्ते का ग्राफ उठा के देख लिए, जिस तरह से लगातार बच्चियां स्कूल जाते समय शौधों से परेशान होकर आत्महत्या कर रही है, कन्नौज में एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली भाई, जिस तरीके से गैंगरेप हो रहे हैं, जिस तरह से बलात्कार हो रहे हैं बच्चियों के साथ, उसको अगर आप और ये जनता, खास करके मैं बोलूंगा ये जनता, अगर सुशासन मानती है तो धन्यवाद इस जनता। तो आप बता दीजिए ना, रोड पे आ जाइए, बताइए कानून व्यवस्था पे बैठ बजाइए इनका, मेरी बात आ जाए ना। हाँ, सुन लीजिए ना, मेरी बात आने दीजिए ना। हाँ, सबसे बड़ी बात आज देश जल रहा है, सबसे ज्वलंत चेहरा भाजपा का दिखाता हूँ, देश जल रहा है। अच्छा, और देखिए नीरो किस तरीके से विदेश यात्राएं कर रहा है। अच्छा, आप समझ गए होंगे मेरा इशारा मणिपुर की तरफ है। इस देश का या किसी देश का ऐसा मुझे बता दीजिए एक प्रधानमंत्री जिसके देश में एक राज्य जल रहा हो, आतंकवादी गतिविधियां जहां AK-47 चल रही हो खुलेआम सड़कों पे, उस देश का प्रधानमंत्री कानून व्यवस्था सेंट्रल फोर्सेस के को लेकर के रणनीति बनाने की जगह विदेश यात्राओं में व्यस्त है और लीन और मौन है, किसके लिए गए हैं? मैं तो ये समझना चाहता हूं, क्या अडानी को फिर से कोई नया प्रोजेक्ट मिलने वाला है? अच्छा, क्या अडानी को फिर से कोई नया प्रोजेक्ट मिलने वाला है? क्या जो पीएम केयर का फंड है उसको सही तरीके से सेटल और मैनेज करने के लिए 2000 की जो नोटबंदी की जा रही है, इससे जुड़ी कोई रणनीति या कोई स्वांग है? इस पे भी जरा मुझे प्रकाश डालने की कृपा करिएगा, मैं ये सवाल उठा रहा हूं इस मंच पे। दूसरी बात, जिस तरीके से इस सुशासन की काली करतूत राज्यपालों के माध्यम से पंजाब, बंगाल, तमिलनाडु और यूपी जैसे राज्यों में दिखाई दी, सीमित राज्यों में और हाल ही में एक महाराष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट तक ने तल्ख टिप्पणी कर दी कि भाजपा के एजेंट की तरह से काम किया जा रहा है। अच्छा, तो जब निष्पक्षता संवैधानिक संस्थाओं की समाप्त कर देंगे आप, अच्छा, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि विपक्ष सड़कों पे आके FIR करा ले, अपने ऊपर लाठियां खा ले? केवल विपक्ष लाठियां खाने के लिए होता है, गालियां खाने के लिए होता है, सुन लीजिए, आरोपी होने के लिए होता है, मेरी बात आ जाने दीजिए ना। विपक्ष अगर मुद्दों को उठाने के लिए होता है तो नेशनल मीडिया भी मुद्दों को उठाने के लिए होती है। अच्छा, आज नेशनल मीडिया के सुर क्यों बदल गए? अच्छा, जैसे ही कांग्रेस ने कर्नाटका की जीत हासिल करेंगे मीडिया पर आरोप लगा देंगे। मेरी बात पूरी है, सुना दीजिए, पार्टी बता दीजिए, पांच सौ के लिए मत आइए आप बीच में, बोलिए मेरी बात पूरी। अरे मैं तो उंगली उठा रहा हूँ, आप बीच में फिर डिफेंड, मैं उंगली उठाई है, बोल दीजिए, क्यों काटी आपने मेरी बात? मैं बैक कर रहा हूँ, जैसे ही कर्नाटक की जीत हुई, हाँ, यूपी चुनाव पे पूरा फोकस दिखा दिया मीडिया ने। अच्छा, मैं आपको एक से एक चैनल की बोलिए, मैं बाकायदा वीडियो वायरल कट दिखा सकता हूँ। अच्छा, किस तरह से अचानक से शो खत्म हो गया और कर्नाटक में बात बंद हो गई। अच्छा,
अभी तो हारे हो ना, हाँ। अभी इस देश में जब प्रतिबंधित किया जाओ, क्या बात है, तब पता चलेगा क्या कि बात है। तानाशाही किसे, हम लड़ेंगे नहीं, रोड पर लड़ेंगे नहीं, संघर्ष करेंगे नहीं, और दोस्त मीडिया पे, अरे आइए रोड पे ना भाई, इस टीम में मीडिया दिखाएगी आपको, अब आइए, कितना संघर्ष किया आपने, कितना संघर्ष किया आपने बता दीजिए, अगर हम रोड का हिस्सा नहीं होते 2022 के बाद कितना संघर्ष किया है, मुझे गिना दीजिए समाजवादी पार्टी का, एक सवाल, मैं गिनने बैठा हूँ दिनेश पांडे, आप संघर्ष गिनाइए मुझे, गिनाइए, गिनाइए। इस देश में जी जब बात पिछड़ों की होती है, आदिवासियों की होती है, सबका साथ सबका विकास की बात होती है, तो इसी डिबेट में जब राष्ट्रपति का चुनाव था, मैंने याद है मैंने आपके इस डिबेट में कहा था कि हमें राष्ट्रपति चाहिए जो अपने गतिविधियों को क्रियाशीलता के साथ, अच्छा, अपनी जिम्मेदारियों के साथ परिपूर्ण कर सके, अच्छा, ना कि केवल फोटो खिंचवाए। अच्छा, मैं तो ये सवाल उठाऊंगा कि मैंने सुना है कि कोई नया संसद भवन जो तैयार किया गया, हाँ, उसमें राष्ट्रपति को ही न्योता नहीं दिया गया उद्घाटन समारोह में। अच्छा, इस देश में राष्ट्रपति की ये स्थिति और ये दुर्गति हो गई कि देश का सबसे बड़ा संसद भवन और देश का पहला नागरिक, अच्छा, देश का पहला नागरिक उसे छोड़ करके आप संसद भवन का उद्घाटन करने चल पड़े, अभी हो गया क्या? कौन सी रणनीति, कौन सी परिपाटी, अच्छा, कौन सी रणनीति, कौन सी परिपाटी, गौरव भाई मैं तो ये सवाल उठा रहा हूँ। अच्छा, न्योता नहीं गया है, अच्छा, और मीडिया में खबरें चल रही है बाकायदा। अच्छा, अब डैमेज कंट्रोल इस डिबेट के बाद अगर कर दी जाए तो बात अलग है, अभी तक तो न्योता जाने का चले ठीक है, सकारात्मक संदेश नहीं, चले ठीक है, तो आपका कहना है कि मीडिया नहीं दिखाती, चले ठीक है बेबे भाई, मैं आपसे वादा करता हूं आपका जो भी संघर्ष होगा, जिले स्तर पे होगा, चाहे राजधानी स्तर पे होगा या देश स्तर पे होगा, प्राइम टीवी आपके तमाम संघर्षों को दिखाएगी। धन्यवाद देता हूं आपके प्राइम टीवी को कि कल का संघर्ष भी आपने दिखाया और आज की खबर भी शायद आपने चलाई होगी जो मैंने आपको भेजी जी, तो मैं आप ये नहीं कह सकते कि संघर्ष नहीं होता जी। संघर्ष तो मैंने ही, दो दिन में तो दो खबरें मैंने भेजी हैं आपको। अच्छा, संघर्ष करते हुए सड़क पे कल बैठे थे सारे अधिवक्ता, अच्छा, और मैं भी वही खड़ा था। अच्छा, और मैंने ही फोन करके प्राइम टीवी को बोला था कि भैया भेजिए किसी, तो वो संघ अधिवक्ता वाला था कि पार्टी वाला था? संघर्ष संघर्ष होता है गौरव भाई, सरकार के, चले ठीक है, उदासीनता के खिलाफ, चले ठीक है, सुन लीजिए, सरकार सत्ता की उदासीनता के खिलाफ आवाज चाहिए, एक की हो चाहे हजार की हो, चलो उम्मीद करेंगे आ जाएगा, उम्मीद करेंगे सपा प्रमुख संघर्ष करे ना करे, विवेक पांडे संघर्ष जरूर करेंगे, ठीक है सैयद मोहम्मद तकी, सैयद मोहम्मद तकी, ठीक है ठीक है, सैयद मोहम्मद तकी भाई आप भी संघर्ष कर लीजिए कुछ, कि आप भी चुनावी लड़ते रहेंगे, रेवड़ियां बांटते रहेंगे, सैयद मोहम्मद तकी। देखिए गौरव भाई, हर घड़ी आवाज इको कर रही है मेरी, आवाज इको कर रही है, बहुत जोर से बोलते हैं इसलिए। हेलो जी जी, बोलिए तकी भाई, बोलिए जी, बात करिए, जी आ रही है, बोलिए। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, अच्छा, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए जी, कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। अच्छा, अब तो बदनामी का शोरत से रिश्ता है, अब तो बदनामी का शोरत से रिश्ता है, लोग नंगे हो जाते हैं सरकार में रहने के लिए। अच्छा अच्छा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को रौंद रही है, लोकतंत्र की मर्यादा को, अच्छा, को तार तार कर रही है, एक नंगा नाच नाच रही है, पिछले कई सालों से देखा जा रहा है। अच्छा, अब भाजपा के दिन जो है लड़ने वाले हैं, अच्छा, लड़ने वाले हैं, ये उच्चतम न्यायालय का सम्मान नहीं करते, अच्छा, ये सम्मान नहीं करते, राष्ट्रपति का सम्मान, अच्छा, किसी राज्यपाल के बयान का सम्मान नहीं करते, अच्छा, ये अपने बीजेपी के लोगों का सम्मान नहीं करते, अच्छा, इन्होंने क्या हाल किया अपने लोगों का जिनसे भी ख्याल नहीं मिलते थे, अच्छा, आज उस सब किनारे हो गए। अच्छा, तो भाजपा को तो जैसे तैसे सरकार में रहना है जी, और लोकतंत्र की मर्यादा को तोड़ना तातर करना है जी, और लोग को तंत्र से अलग करके, तंत्र का गैर इस्तेमाल करके, गलत इस्तेमाल करके लोगों के ऊपर अपनी राय थोपना है। अच्छा, लगातार कितने गलत फैसले किए बीजेपी ने आप देखिए, अच्छा, नोटबंदी से लेके, जन धन योजना से लेके, जीएसटी से लेके, स्वच्छ, अच्छा, गंगे से लेके, अच्छा, निर्मल जल से लेके, अच्छा, क्या बीजेपी ने किया है? अच्छा, कुछ नहीं। और जो बता रहे थे भाजपा प्रवक्ता कि इन्होंने बड़े एक्सप्रेस वे बना दिए, तो पहले पूर्व राज्यों ने उसका डिजाइन बनाया था। अच्छा, वो तो होना था डेवलपमेंट, अच्छा, एक्सप्रेस वे बनाने से आप पैसा कमा रहे हैं, लोकल टेंडर्स को दे रहे हैं आप, ठेकेदारों को दे रहे हैं, प्राइवेट कंपनी पैसा लगा रही है, उसमें जनता को क्या मिल रहा है? अच्छा, अगर आज आप दिल्ली से दिल्ली जाते हैं एक्सप्रेस वे से, तो ₹1,000 ज्यादा टोल टैक्स लग जाता है आपका, बिल्कुल हो जाता है, और ₹700-800 सेकेंड एसी का किराया वो करता था, उन्होंने बढ़ा दिया, महंगा कर दिया। अच्छा, बुजुर्गों का आप देख, एसी में डिस्काउंट था वो खत्म कर दिया, बहुत बढ़िया बात, जो लोगों का खत्म कर दिया, शोषण कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ा दिया, शोषण कर रहे हैं पब्लिक का, ठीक है, तो जनता का कहां भला हो रहा है? उसके बाद भी कहते हैं कि हमने जो किया किसी ने किया। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले 9 सालों में जो कर्जा ले लिया है, पिछले कई प्रधानमंत्रियों ने इतना
एक साथ नहीं लिया। अच्छा, कितना जनता पे दबाव हो रहा है, प्रेशर हो रहा है। अच्छा अच्छा, इतना पैसा जा कहा रहा है लगातार। बीजेपी महंगाई बढ़ा रही है, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ा रही है, प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ा रही है, बच्चों की फीस बढ़ा रही है, हर तरह से पैसे को लूट रही है और लोवर्ड लो से लोन भी ले रही है। अच्छा अच्छा, और पैसा जा कहा रहा है, सिख कहा रहा है। बिल्कुल सही बात है, बिजली महंगी होती जा रही है, जी, टोल टैक्स लगाते जा रहे हैं। अच्छा, नंबर प्लेट लगा रहे हैं। अच्छा, बच्चों के पैसे लोग काफी रेट बढ़ा रहे हैं, दूध महंगा कर रहे हैं, दही पनीर में जीएसटी लगा दिए उन्होंने। अच्छा तकी भाई, दवाओं में जीएसटी बढ़ा दिया। ठीक है, मेरे दो तीन सवाल ले लीजिए, बड़े अच्छे सवाल है आपसे। आपने कहा बीजेपी दरकिनार करती है, मुझे कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव को बता दीजिए कि आम आदमी पार्टी क्यों हटा दिए गए थे। मैं पूछ रहा हूँ, ऐसे मेरी थोड़ी सी सामान्य ज्ञान कम है। कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण को कहीं आम आदमी पार्टी से हटाया नहीं गया था। कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव को नाम मिला, आप स्वराज इंडिया वाले योगेंद्र यादव जी, आप बताइए, आम आदमी पार्टी ने कहीं से इनको निकाला हो आम आदमी पार्टी से? नहीं, छोड़ के ऐसा कम्युनिकेशन आया, छोड़ के चले गए, ये खुद चले गए। अच्छा, खुद चले गए। अच्छा अच्छा, जब भाई कई बार होता है मानसिकता मैच नहीं करती। अच्छा अच्छा, लोगों को अपने हिसाब से चीजें नहीं मिलती, लोग चले जाते छोड़ के। अच्छा अच्छा, और जब वो लोग बयान देते हैं तो उन बयानों क्या माने, आम आदमी पार्टी के पक्ष में माने या आम आदमी पार्टी के विरोध में माने? देखिए, जब किसी की को कुछ उम्मीदें होती हैं जी, और उम्मीदें जायज नहीं होती हैं। चलिए, जवाब नहीं तक नहीं होती, ठीक है। देखिए, कोई आदमी पार्टी जी, बोल लीजिए बोल लीजिए, जल्दी बोलिए। जवाब दे तो रहा हूँ आपको, क्या जवाब दूँ? बोलिए बोलिए बोलिए। तो अभी जो भी लोग, अभी आपने कहा ना बीजेपी को लोग छोड़ के चले गए, बीजेपी ने दरकिनार कर दिया, अब वो बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो ऐसे ही कुछ लोग आपको भी छोड़ के गए थे, वो आपके खिलाफ भी बयान दिए गए थे, अगर आपको याद ना तो उन बयानों की मैं कर दूंगा जी। आम आदमी पार्टी ने किसी को अपनी पार्टी से निकाला नहीं था। अच्छा, लोग अपने हिसाब से छोड़ गए थे, उनकी जिम्मेदारियां दी गई, जिम्मेदारियों का निर्वाह नहीं कर पाए। अच्छा, अरविंद केजरीवाल को हटा के खुद आना चाहते थे आगे, पूरी नहीं हो पाई तो परेशान हो गए। अच्छा अच्छा, लेकिन आम आदमी पार्टी जो भी लोग छोड़ गए, आम आदमी पार्टी से आज किसी के बहुत खराब रिलेशन नहीं है। अच्छा ठीक है, ना हम उनके बारे में बोलते 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 रहिए। अच्छा, मुझे तकी भाई, अभी आप बात कर रहे थे यहाँ पर तमाम तरह की कमियों की, आपको याद होगा कि एक समय था हमारे देश में जेल भरो आंदोलन होता था, आपको याद होगा कि अब जेलें कम पड़ जाती थी, और हमारे देश में इतना सत्याग्रह होता था कि सत्याग्रहों की बुनियाद पर सरकारें बदल जाती थी, पर अब तक विपक्ष का ना वो जेल भरो आंदोलन नजर आता है ना सत्याग्रह में नजर आता है। यहाँ मुद्दों की बात तो होती, सुन लीजिए, यहाँ मुद्दों की बात तो होती है, यहाँ सरकार पे आरोप तो लगाए जाते हैं, बयान दिए जाते हैं, पर सरकार की बैंड बजाने के लिए, सरकार की नींद खोलने के लिए, सरकार की आंखें खोलने के लिए विपक्ष हड़क पर नहीं आता, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, बयानों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से आप सरकार की नींद खोलने का काम नहीं कर सकते। तकी भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं सारे विपक्ष की बात कर रहा हूँ, अकेले आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मॉडल की बात करते हैं तो आपको दिल्ली मॉडल पता है, मुझे भी दिल्ली मॉडल पता है। तो यहाँ पर इस व्यवस्था में अगर लड़ना है, वास्तव में जनता की आपको बड़ी जरूरत है, जनता के लिए आप खड़े हैं, तो कम से कम रणनीति से ज्यादा जनता के मुद्दों के लिए संघर्ष कर लीजिए, तो शायद कुछ व्यवस्था बदल जाएगी। बोल लीजिए। जून के आसपास आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी महारैली करने वाली दिल्ली के अंदर, बीजेपी सरकार रैली करेंगे, कर रही है लोकतंत्र का गला, उसका महा रैली करेगी। अच्छा, उस महा रैली के इसके आगे आगे रणनीति बनाई जाएगी। चलिए, और एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का आपको सड़कों पे दिखाई देगा, संघर्ष करते हुए, लाठियां खाते हुए, जेल जाते हुए। मैं भी उस दिन का इंतजार करूंगा और सब साथ में आएंगे। चलिए, मैं दिन का इंतजार करूंगा, पूरा विश्व साथ में आएगा, मैं दिन का इंतजार करूंगा, आम आदमी पार्टी संघर्ष करती है, आपके अखिलेश यादव भी साथ में आएंगे, सब साथ में आएंगे। तकी भाई, जो आम आदमी पार्टी संघर्ष करती है, मैंने कई मुद्दों पर देखा है, कई मौकों पर देखा है, आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्ष में नहीं है, उसके बावजूद लड़ी है, इस बात का गवाह प्राइम टीवी है, और मैं इसकी धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग कभी कभी लड़ते हैं, कभी कभी लड़ जाते हैं। जी, आप सबका मेहमान मंडल करिए, ठीक है, हो गया। प्रवक्ता रालोट, बेप्रकाश मिश्रा जी, बीर भाई, आप भी समय समय पर पंचायत बैठाते रहते हैं और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहां पर संघर्ष करते रहते हैं। संघर्ष हुआ तो खतौली जीते, संघर्ष हुआ तो मैनपुरी जीते, और संघर्ष हुआ तो व्यवस्थाओं में यहाँ पर लाभ मिला, पर संघर्ष निकाय चुनाव में नहीं मिला। पर यहाँ निकाय चुनाव की बात नहीं करूंगा, यहाँ पर यह है कि जनता के मुद्दों की रैलियां होती है, जनता के व्यवस्थाओं के लिए जनसभाएं होती है, वोट के लिए जनता को अपने साथ जनसंपर्क किया जाता है, समर्थ स्थापित किया जाता है, पर जनता के मुद्दों के लिए लड़ता कोई नजर नहीं आता। ये लड़ाई कब शुरू होगी, कब वो सत्याग्रह वाली व्यवस्था हमारे देश में नजर आएगी, जो हमारे देश की व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई है, जिस पर हमारा देश आजाद भी हुआ था और जिस पर हमारा देश
आज भी अपने आप को गर्व महसूस करता है, गौरवान्वित महसूस करता है। दीपिका मिश्रा जी, इस समय हमारा जन जागरण अभियान चल रहा है जी। माननीय चौधरी जयंत सिंह जी लगातार क्षेत्र में हैं। अच्छा। और 19 तारीख से लगा करके 3 तारीख तक हमारा जन जागरण अभियान चलेगा और उसके बाद हम आपको सड़कों पर और सदन में आंदोलन करते हुए दिखाई देंगे। चलिए वो भी देख लेता हूँ। जो जो जन मुद्दे हैं जी, उनको उठाने का काम राष्ट्रीय लोकदल लगातार करता है। अच्छा। चाहे वो किसानों के मुद्दे हो, नौजवानों के मुद्दे हो, पहलवानों के मुद्दे हो। अच्छा। या जो भी बिजली का मुद्दा हो या गन्ना मूल्य को लेकर के बात करनी हो, हम लगातार संघर्ष करते रहे हैं जी। और उस पर सरकार को काम करना भी पड़ा है। अच्छा। ये भी आपको बेहतर तरीके से मालूम है, क्योंकि आपको हम साधुवाद देते हैं कि लगातार आप हमको आगाह करते रहते हैं कि आप लोग जन आंदोलन करिए, आप लोग आंदोलन नहीं करते। बिल्कुल। और आपकी प्रेरणा के माध्यम से और लोगों की मांग पर जी, हमने पिछली बार लगातार किसान संदेश अभियान चलाया। उसका परिणाम यह हुआ कि सरकार को गन्ना का मूल्य घोषित करना पड़ा, भले ही उन्होंने बढ़ा मूल्य घोषित नहीं किया, पुराना मूल्य ही घोषित कर दिया जी। हम बहुत ही जल्द 3 जून के बाद जी सड़कों पर इस बात को लेकर के दिखाई देंगे कि गन्ना किसानों के मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा है और जो 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 होना चाहिए। अच्छा, उसके साथ साथ आज ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंजीत सिंह ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है जी कि गन्ना किसानों के गन्ना भुगतान को लेकर के तो सरकार संज्ञान नहीं ले रही है जी, लेकिन सरकार अपना किसानों से वसूली अभियान चला रही है। अच्छा। तो जब तक गन्ना किसानों के गन्ने मूल्य का भुगतान न हो जी और उनको ब्याज सहित बकाया का गन्ना भुगतान न किया जाए, तब तक ये सारी की सारी वसूली रोकी जाए जी, इस पर कार्रवाई बंद की जाए। सर ठीक है, ये हमारी मांग है सरकार से। क्या बात। और 3 जून के बाद इसको लेकर के हम सड़कों पर दिखाई देंगे आपका कैमरा और हम आपके साथ इस बात को लेकर के साझा करें। चले ठीक है, बहुत अच्छी बात है। किसानों के मसीहा कहे जाते रहे हैं चौरी चरण सिंह जी। ठीक है गजेन भाई, सारा सीन आपके सामने है, कुछ छिपा नहीं है। मैंडेट बीजेपी को, दूसरा कार्यकाल, 37 साल पुराना मैंडेट तोड़ा गया, योगी दोबारा मुख्यमंत्री बने और यहां पर मैंडेट विपक्ष का, सपा को, पर सारा पिक्चर आपके सामने है। अभी बरसात भी होने वाली है, बादे यहां भी नजर आएंगे, व्यवस्थाएं यहां भी नजर आएंगी, बीमारी यहां भी नजर आएंगी। कैसे देखते हैं भूमिका पर केवल रणनीति बनती चुनाव को लेकर, जनता के मुद्दों के लिए, संघर्ष के लिए, कि हम आज ये वादा करते हैं कि आज पेयजल व्यवस्था के लिए संघर्ष करेंगे और जब तक राजधानी की पेयजल व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक विपक्ष अनशन से नहीं उठेगा, ऐसा कुछ कभी सत्ता के देखने को मिला क्या आपको, या देखने मिलेगा गजेन भाई, उम्मीद करेंगे क्या? गौरव भाई जी, चुनाव 2024 के चुनाव पर बहुत सारी बातें अभी हुई जी और देखिए आगे भी होगी जी, और लोकतंत्र में चुनाव नहीं होगा तो होगा क्या? बिल्कुल, हर कड़ी पे चुनाव हो रहा है जी। और अब हम गांव तक पहुंच चुके हैं और सारी व्यवस्थाएं मजबूत हो चुकी हैं राष्ट्र में, क्योंकि हर चीज का निर्धारण अब इसी चुनाव के माध्यम से ही होगा। लोकतंत्र की ये सबसे बड़ी कड़ी है, सबसे मजबूत कड़ी है जी। तो चुनाव तो होंगे जी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है जी। जहां तक आपने कहा कि धरना प्रदर्शन, तो अब जयप्रकाश बाबू न है जी, न तो लोहिया जी लीजिए ठीक जी, न तो मुलायम सिंह यादव जी। अच्छा। और जब इतने बड़े नेता नहीं रहे और उनके पथ पे चलने वाले लोग भी आज के डेट में नहीं है, ये कहा जा सकता है स्पष्ट रूप से जी। ठीक है, तो यहां तक जहां तक बात है कि जेल भरो आंदोलन जी, अरे देखिए बताऊं, अब वो दिल्ली दूर है जी। ठीक है, कोई जेल भरे आंदोलन के लिए तैयार होने वाला नहीं है लीजिए। उसका मुख्य कारण समझ लीजिए जी, एक चेहरा होता था जी, उस चेहरे को सब लोग एक्सेप्ट करते थे जी। जैसे जब जब आंदोलन हुआ, आप देखे पूरे राष्ट्र में एक चेहरा होता था जी, 10 चेहरे नहीं थे, 20 चेहरे नहीं थे जी। आज कोई आंदोलन के लिए खड़ा होता है तो दूसरी पार्टी उस आंदोलन का हिस्सा बनना ही नहीं चाहती है, क्योंकि उसके लिए वो राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। वह यह सोचता है कि कहीं अगर हम किसी से जुड़ जाते हैं तो मेरा वोट बैंक ही कहीं पे शिफ्ट ना हो जाए, आज जो हालत है जी। इसलिए कोई भी
राष्ट्रीय स्तर पर कोई चेहरा ऐसा नहीं है जिसकी एक आवाज पर जनमानस की लड़ाई लड़ने के लिए सारा विपक्ष एक साथ में खड़ा हो। कोई एक चेहरा बता दीजिए पूरे राष्ट्र में, नहीं। सभी लोग लेकर बैठे हुए हैं। अब सभी लोगों की निगाहें एक अरविंद केजरीवाल पर टिकी हुई है। अच्छा, ठीक है, पूरे राष्ट्र की। अब उसके सामने क्या समस्या है? दो राज्य हैं जी, दो राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश में जब वो आते हैं तो खत्म हो जाते हैं, इसलिए कि सपा यहां पर सबसे मजबूत पार्टी है, ठीक है, और वह इनके इनके किसी भी चाल को चलने नहीं देती है, तो इनके लिए समस्या है। यह अन्य राज्यों में जहां जहां जा रहे हैं वहां पर अपने अपने छत्रप हैं, अब वो इनको वहां पे चलने नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो दिल्ली नहीं है। दिल्ली के जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में सोचना, बिहार के बारे में सोचना, जाकर के पश्चिम बंगाल में लड़ जाएं आप, ममता बनर्जी खाई जाएंगी आपको, वहां क्या पता चलेगा आपका। धीरे धीरे धरातल पे आने के लिए समय जरूर लगेगा, लेकिन आप अपने रूप को दिखाएगी निश्चित तौर से। अच्छा। क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जो उस विचारधारा को एक्सेप्ट देश में कर रहे हैं, उनकी संख्या कम है, लेकिन वो चूंकि लिखे लिखे पढ़े वाला वर्ग है, वह वर्ग निश्चित तौर से लिखेगा, बोलेगा, समझेगा, तो आप धरातल पर दिखने लगेंगे। अभी मैं यहां पर सुना हूं नोटबंदी विषय है, क्योंकि यह हमारे पूरे व्यवस्था का निर्माण, स्ट्रक्चरल जो हमारा विंग है देश का आर्थिक, इसी से चलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 10 साल में जी, मैं पूछना चाहता हूं, जो सबसे बड़ा मुद्दा था, उस मुद्दे पर यहां बैठे हुए कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि हां इस पर कुछ काम हुआ है, वह है भ्रष्टाचार जी। भ्रष्टाचार पर इस राष्ट्र में कोई काम नहीं हुआ है जी, चाहे केंद्र से ले लें, चाहे पर आप राज्यों में ले लें, सरकार किसी की हो जी, मैं नहीं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल जी, सरकार किसी की हो, भ्रष्टाचार पर कोई कार्य नहीं हुआ। और नोटबंदी पे नोटबंदी इसीलिए किया भी जा रहा है। अच्छा, मैं कहता हूं अब 2000 का नोट गया, आप देखिएगा आने वाले कम ले 500 का नोट भी जाएगा। अच्छा, उसके बाद जब कोई कहेगा कि 10 करोड़ रुपया ले आओ, तो फिर डीसीएम आएगा तब ना जाएगा 10 करोड़ रुपया जी, 100-100 के नोट होगा ना वहां पर, बिल्कुल, वहां तो 50 के नोट होंगे, 100 के होंगे। तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार के, और आपसे मैं ये कह दूं, तो लाए सरकार का जो स्ट्रक्चर है, तो लाए कैसे लिए थे? अरे मैं क्या कह रहा हूं आपसे, जो वो कालखंड खंड था उस पर भी मैं आ रहा हूं आपसे, बता दीजिए। इनके लिए साफ साफ जो विपक्ष का आरोप होता है वही आरोप मेरा भी है। अच्छा, इनको इनको अपने पैसे को ठीक से ठिकाने लगाना था। लीजिए, आज ये सबसे बड़े दल हैं, सबसे बड़ी पार्टी है ये, सबसे बड़ा फंड है इनके पास में देश में जी, सबसे बड़े जितने बड़े बड़े व्यापारी इनके पास हैं जी, तो उनके फंड को इनको एक स्थिति में लगा देना था कि वहां से इनका नुकसान न हो, विपक्ष खाली हो जाए। लेकिन भ्रष्टाचार पर मैं आज भी यहां से इस मंच से कह रहा हूं कि इन्होंने भ्रष्टाचार पर कोई कार्य नहीं किया है गौरव भाई। अच्छा, और इनके सामने यह सबसे बड़ी समस्या इसलिए हो गई है कि यह कहा जाए तो इस देश में कुछ रोग हो गया है ये। अच्छा, क्योंकि स्ट्रक्चर, जितना स्ट्रक्चर है, चाहे आप नेताओं का स्ट्रक्चर ले लीजिए, ब्यूरोक्रेसी का ले लीजिए स्ट्रक्चर, पूरा स्ट्रक्चर फेल हो चुका है। बिना घूस लिए इस देश में कोई काम नहीं होता है। सही काम भी कराओ तो भी गलत, तो उसकी तो बात ही आप छोड़ दीजिए। अच्छा, मैक्सिमम अब इनके सामने ये सोच रहे हैं कि राष्ट्र को अगर मुझे बहुत बड़ा स्तर पर ले जाना है, हम कल के डेट में एक विश्व स्तरीय व्यवस्था बनने जा रहे हैं आर्थिक, और आर्थिक व्यवस्था में हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? भ्रष्टाचार है। विदेशी कंपनियां भी जो आ रही हैं, या जो उत्तर प्रदेश कह लीजिए, बिहार कह लीजिए, किसी राज्यों में कोई भी उद्योगपति जब आता है यहां पर, तो सबसे ज्यादा पीड़ित होता है भ्रष्टाचार से। उत्तर प्रदेश की बात अगर मैं कर दूं, क्योंकि आज माफिया नहीं है कोई जी, कि माफिया कोई लेकर के फोन कर दे कि आ गए हो तो इतना रुपया भेज दो। योगी की सरकार है, रौंद दिए जाओगे जी, तो इससे तो राहत है, लेकिन भ्रष्टाचार से राहत नहीं है जी। भ्रष्टाचार, सरकारी भ्रष्टाचार जी, सरकारी भ्रष्टाचार से इस उत्तर प्रदेश को कह लूं या राष्ट्र को कह लूं, पूरे राष्ट्र में सरकारी भ्रष्टाचार से कोई राहत नहीं है। और इस राहत के लिए सरकार को केवल यही नहीं, नोटबंदी ही नहीं केवल मुद्दा है,
नोटबंदी विषय नहीं है केवल, सरकार की एजेंसियां फेल हो चुकी हैं। पैसे का इतना बड़ा पैसा लिया जाता है, कहां लगाया जाता है, कहां जा रहा है पैसा, इसका आगणन मूल्यांकन करने के लिए इनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। और यह कह दूं कि एजेंसियां भी भ्रष्ट हो चुकी हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसमें कोई दो राय नहीं। सबरजन भाई, पूरे विपक्ष का आरोप आपके काम आम नहीं करते हैं, जीरो टॉलरेंस नीति आपकी फेल हो गई है। गजन भाई ने सीधा सीधा बता दिया है कि पैसा सेट करने के लिए 2000 का नोट ले आए थे, अब वापसी ले रहे हैं। व्यवस्थाओं पर बोला है कि हाँ माफिया आपने खत्म कर दिया, रोन दिए हैं आपने, इसके लिए ताली, अरे ताली है। और जो कमी है उसके लिए क्या कर रहे हैं, उसके लिए बिगुल फूंकू, उसके लिए मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं बिगुल फूंकू क्या? देखिए गौरव जी, जी जब नोटबंदी हुई जी और जब नए नोट मार्केट में आए और छपे, एक एक नोट की गिनती थी। अच्छा अच्छा, आपने देखा होगा। अरे कौन सी नई बात आप कर रहे हैं, एक नोट की गिनती नहीं होती है। बोल लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए, आप ऐसी बात कर रहे हैं, एक एक नोट की गिनती। मैं बिल्कुल नहीं बोला, मैं चाहता था आपको बोलने ही नहीं देता। मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव है, मैं आपको बोलने ही नहीं देता। गजेंद्र जी अगर मैं बोलता मैं बोलने नहीं देता। समस्या यह है कि आप कह रहे हैं एक एक नोट की गिनती हुई। मुझे तो लग रहा समस्या आप हो, इस देश में सबसे बड़ी समस्या आप हो। एक एक नोट की गिनती होती है, मैं बता रहा हूँ ना, आप सबसे बड़ी समस्या। सही बात कहो, समस्या है कौन सी पार्टी, समस्या यही है, सुन लीजिए, समस्या आप लोग हैं गजेंद्र जी, कि ऐसे लोग बात आपके लिए समस्या होंगे, बिल्कुल आपके लिए समस्या होंगे। हम जनता के लिए समस्या नहीं है, जनता हमको चुन रही है। जब आप आपके लिए समस्या होंगे, आप जैसे लोगों के लिए समस्या। अरे भाई एक एक नोट तो गिना ही जाता है, मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ ना, उस नोट को आप जैसे लोगों ने अपने घरों में डंप कर लिया और मोदी जी ने उसको बंद करके अब आप बैंकों में लेके आओ, अब आओ सामने लेके आओ, सामने जैसे लोगों ने कहा, अभी पता चलेगा जवाब देने का कहां है। अभी जवाब नहीं पता, एजेंसी फेल नहीं हुई, एजेंसी अपना काम कर रही है उसी के आधार पर। जब 2000 का गौरव जी, जब 2000 का नोट मार्केट में बंद हो गया, सारी गिनती बैंक में कितना है और मार्केट में कितना है, ये सारी चीजें नोट मोदी जी ने बहुत सोच समझ कर काम किया। भ्रष्टाचार पर बहुत बड़ा अंकुश लाए गए के लिए थे, बहुत बड़ा बार इसीलिए लाए थे। अच्छा। कि ये जितने भ्रष्टाचारी इस देश के अंदर बैठे हुए हैं, ये 2000 का नोट अपने अपने घरों में डंप करेंगे। अच्छा। अब वो निकाल करके बैंक में लाएंगे। अच्छा। ये देखिएगा कितने भ्रष्टाचारी सामने आएंगे। अच्छा। ये बहुत बड़ा काम है, जनता जनता उसके लिए इस सरकार को की सराहना कर रही है। लेकिन ऐसे लोगों को पेट में दर्द होगा। अब ये 150 के, अब बताइए, ये कह रहे थे अभी गजेंद्र जी कि 100 का 50 का नोट होगा तो ये ट्रक लाना पड़ेगा। हाँ। अरे भाई आप काहे ट्रक लाओगे, कि आपने कुछ जमा कर रखा है क्या? अगर आपने भ्रष्टाचार की रकम जमा कर दी है तो आपको ट्रक की जरूरत पड़ेगी। पूरी बात को समझना ही नहीं चाहते, समझ रहा हूँ, आप नहीं समझना चाह रहे हैं, आपका काम है, आप उस व्यवस्था को देख रहे हैं। जब इस देश में आधार कार्ड लागू हुआ था तो उससे भ्रष्टाचार कितना बड़ा, कितने विदेशी, कितने रोहिंग्या इस देश में आए। मोदी जी ने उसी आधार कार्ड को लोगों के खाते से जोड़ दिया, जितनी भी योजनाओं का पैसा हो, जितनी भी योजनाओं का लाभ होता है सीधे उसके खाते में जाता है। इससे भ्रष्टाचार को दूर किया, रोहिंग्या जाएंगे इस देश में जब एनआरसी लागू होगा, इस देश में जब एनआरसी लागू होगा, एक एक रोहिंग्या बाहर जाएगा, इसको देखने वाले आप सब होंगे। और बगैर रोहिंग्या के, बगैर एनआरसी के इस देश में रोहिंग्या बाहर नहीं जा सकते। देखिए आप आसाम में क्या हो रहा है, देखिए आप आसाम में क्या हो रहा है, ये बड़े बड़े शर्म की बात है कि जो आसाम में घटना हो रही है। आज कराएंगे जी, आधार कार्ड भी फर्जी बन जाते, कैसे जस्टिफाई कराएंगे? ये सारी चीजें होंगी ना, अभी एनआरसी लगेगा तो फर्जी आधार कार्ड वाले भी सामने आएंगे और बनाने वाले भी सामने आएंगे। अच्छा, और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे भाई समाजवादी पार्टी के, हाँ। जब भी कभी बात होती है तो सिर्फ रिवर फ्रंट के बारे में झंडा लग रहा है, बता दिया नहीं ना, रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, रिपोर्ट आएगी तो आपके नेता जेल जाएंगे, रिपोर्ट आएगी तो आपके नेता जेल जाएंगे, तब भी आप सड़कों पे नहीं उतरेंगे, तब भी आपको नहीं सड़कों पे, रिपोर्ट आएगी तो नेता जेल जाएगा, रिपोर्ट आएगी तो नेता। और सुनिए, मोदी जी ने कहा रिवर फ्रंट की नहीं, गाँव में शौचालय की जरूरत है, जो हमारी बहनें खेत में जाती हैं। हमने मूल जो मूल सुविधाएं थी, जो मूल जरूरतें थी, वो चीजें आप मांगो ना, आप विपक्ष हो, आप मांगो। अरे आप सड़कों पे उतरो, अगर आपके अंदर पुरुषार्थ है तो सड़क पे आओ, आओ सड़क पे, हम चोर नहीं है, छाती खोल के आते हैं। आप आइए सड़कों पर, आपके कपड़े फाड़ चुकी नगर निकाय चुनाव में आपको फाड़ के फेंक दिया, एक भी मेयर आपका नहीं जीता, 17 मेयर जीते, 17
17 मेयर जीते हैं आपके, 17 लोकसभा सीटें हम पहले ही जीत गए, हम पहले ही जीत गए 17 लोकसभा सीटें। आप किस बात पे करेंगे, आप बोलने दीजिए, सवाल भी लेंगे और जवाब भी देंगे आपको, हम बिल्कुल जवाब देंगे। आप सड़कों पे आइए, आप सड़क पे आइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सड़क पे आइए। आप विपक्ष है, आपका फर्ज बनता है, अगर आपको गलत लगता है तो आप सड़क पे आइए। विपक्ष की भूमिका यही है, आपकी भूमिका यही है, आप सड़क पर आइए, आपको सड़क पर उतरना चाहिए। मैं कह रहा हूँ आप आइए सड़क पर, भाजपा है ही नहीं, अच्छा भाजपा नहीं है, आप आइए। अटल जी ने सदन में खड़े होकर के कहा था कि भाजपा अगर चिमटे से जोड़ तोड़ की राजनीति भी अगर ये करते हैं जोड़ तोड़, अटल जी ने कहा था, अटल जी ने कहा था, अटल जी ने कहा था मुसलमानों के मदरसों के बच्चे के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। आपने उत्तर आपके कार्यकाल में, आपके कार्यकाल में इतने अपार्टमेंट फर्जी बने हैं, अगर बुलडोजर चलाना चाहे तो एक भी अपार्टमेंट लखनऊ के अंदर नहीं बचेगा। आप अपने चेहरे को देखिए, आपकी सरकार गुंडों का संरक्षण करती है, आपकी सरकार गुंडों का संरक्षण, गुंडों का संरक्षण। अतीक मुलायम सिंह अतीक अतीक को समर्थन करते थे, मुलायम सिंह यादव अतीक के साथ फोटो। आज हनुमान जी का दिन है, आप जाइए, आप जाइए, गुंडों की संरक्षण वाली सरकार, गुंडों की संरक्षण वाली सरकार, गुंडों की संरक्षण वाली सरकार, गुंडों के संरक्षण वाली सरकार, गुंडों के संरक्षण वाली सरकार, गुंडों के संरक्षण वाली सरकार, अतीक को समर्थन देने वाली सरकार, अतीक को समर्थन देने वाली सरकार, अतीक को समर्थन देने वाली सरकार, मुख्तार को समर्थन देने वाली सरकार, मुख्तार को समर्थन देने वाली सरकार, मुख्तार को समर्थन। आज गुंडे आपके संरक्षण पर गुंडे, आपके समर्थन के गुंडे भाग गए, गुंडे शहर छोड़कर 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 भाग गए। गुंडों की सरकार, गुंडों की सरकार, गुंडों की सरकार, समाजवादी गुंडों की सरकार, समाजवादी गुंडों की सरकार, समाजवादी गुंडों की सरकार, समाजवादी गुंडों की सरकार, गुंडों की सरकार, गुंडों की सरकार, गुंडों की सरकार, गुंडों की सरकार। 150 दंगे 1217 150 दंगे 1217 मुसलमानों के दुश्मन, मुसलमानों के दुश्मन, गुंडों की सरकार, गुंडों की सरकार, गुंडों की सरकार। जनता ने नकार के फेंक दिया, गुंडों को नकार के फेंक दिया, जनता ने नकार के फेंक दिया, गुंडों 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 को नकार के फेंक दिया। ये नारे लगा दिए, नारे लगा दिए, ये नारे लगा रहे, बताइए ये नारे लगाने का मन चले। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है, आज से 12 से लेकर 17 तक गुंडों की सरकार, गुंडों के समर्थन देने वाली सरकार, गुंडों को संरक्षण देने वाली सरकार, समाजवादी गुंडा पार्टी, समाजवादी गुंडा पार्टी, समाजवादी गुंडा पार्टी। जनता ने आईना दिखाया आपको, आपको जनता, जनता ने आईना दिखाया, जनता ने आईना दिखाया, जनता ने आईना दिखाया। आजम खान ने बेचा, आजम खान ने आपकी पार्टी में मुसलमानों को बेचा, आज तो जबई आपका मुजरिम है। आजम खान, आजम खान, आजम का हाल, आजम खान का हाल देखिए, आजम खान का हाल देखिए, आजम खान का हाल देखिए, आजम खान का हाल देखिए। आजम खान ने मुसलमानों को बेचने का काम कर दिया। चलो पानी पी लीजिए, सफल भाई हो गया, ठीक है। नहीं नहीं, बिल्किस बानो पसमांदा समुदाय से बताइए, उसके हक की लड़ाई लड़ेंगे, फिर बात लड़ेंगे, फिर बात। आप लड़िए मुसलमानों के हित से, आप हो, आप लड़ो, आप लड़ो, आप लड़ो मुसलमानों के हित से, वोट बैंक के नाम पे इस्तेमाल करने वाले, वोट बैंक के इस्तेमाल करने वाले, मुसलमानों को कूड़ा करकट समझने वाले, मुसलमानों को अपना गुलाम समझने वाले समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने मार दिया। नगर निकाय चुनाव में मुसलमानों ने जूता मारा, आपको निकाल के फेंक दिया, आपको निकाल के फेंक दिया। नगर निकाय चुनाव में मुसलमानों ने बहिष्कार किया, आपको बहिष्कार किया, आपको बहिष्कार किया, आपको बहिष्कार किया। भारत माता की, बोलिए भारत माता की, वंदे मातरम। सर मोहम्मद तकी क्या बोलना चाह रहे, बताइए जी।
देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी जीत पे बहुत इतरा रहे हैं, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने जनता का बेड़ा गर्क किया है। अच्छा, अभी वो मकान का किराया बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो महीने के हिसाब से बिल पेश करेंगे। तो बीजेपी जहाँ जहाँ जीती जनता का बेड़ा गर्क किया है। जनता क्या बड़ा किया, जनता के ऊपर लगातार महंगाई का बोझ डालते जा रहे हैं, फीस बढ़ाते जा रहे हैं, हर जगह परेशानी कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि गुंडे और माफिया खत्म कर दिया। आप पेपर उठा के देखिए, पढ़िए कि आए दिन रोज आपको उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अंदर मुख्यमंत्री आवास के आसपास चेन स्नैचिंग की घटनाएं दिखेंगी। महिलाओं का पर्स लेके लोग भाग रहे हैं, हत्याएं हो रही है। अच्छा। युवा आत्महत्या कर रहे हैं। क्या बुरा हाल है देश का, और ये अच्छा। क्या पेश करते हैं, इन्होंने अच्छा। माफियाओं का खत्म किया। अच्छा। इन्होंने तो बदला लिया है, और बदला लिया तो माफिया की प्रवृत्ति होती है, दर्दा है माफिया को बदला लिया भाई। माफिया के बर्क का उतर गई थी एक माफिया का, एक माफिया की प्रवृत्ति होती है माफिया। अरे तकी भाई शर्म करिए, कुछ तो शर्म करिए। हाँ। माफियाओं को खत्म करना बदला लेना है, यही समाजवादी पार्टी गुंडों को संरक्षण देती थी मुख्यमंत्री आवास से। अच्छा, इसीलिए किसी ने कुछ नहीं किया, मुझे पता है। ठीक है, अरे मुझे सबका पता है, मुझे अपना ना पता, मुझे सबका पता है। कौन सा कूड़े वाले पहाड़ों का, उसकी पॉलिसी को अमल कर रही है, गंदी अपना का जी। तो बताइए मुझे क्या नाम लोग का, 10 करोड़ का मकान कहाँ, अरविंद केजरीवाल की पैरों की जूती बराबर नहीं है। अरे बताइए, केजरीवाल ने काम कर दिया, अरे 10 करोड़ काम कर दी, कॉपी कर रहे उसको, जनता की गाड़ी कमाई 10 करोड़ का मकान कहाँ से बन रहा है, जवाब जनता की। चले हो गया, चले हो गया, चले हो गया, हो गया, हो गया। बेर भाई, बेर भाई, बेर भाई, बेर भाई, बेर भाई, हो गया, बेर भाई, लोगों का इलाज कराया है, समाधान हो गया, बस प्रिय प्रिय चले, बाकी मैं मान दिया, खराब तबियत खराब मत करिए, डिबेट खराब मत करिए आप लोग, प्लीज ये चिल्लाना बंद करिए आप लोग, चिल्लाना बंद करिए प्लीज, जनता के लिए। ठीक है जी, बेर भाई बोलिए, बेर भाई, बेर भाई, पैरों की जूती बराबर नहीं है, कूड़े के ढेर पहाड़ बने हुए हैं दिल्ली के अंदर, बताइए वो कूड़े के पहाड़, तो कूड़े के पहाड़ तो आ रही है बीजेपी के अंदर, लखनऊ में कूड़े पहाड़ बने हुए, जवाब दीजिए, पहाड़ बने हुए, अरे कूड़े के पहाड़ बने हैं दिल्ली के अंदर, सबसे बड़ा कूड़े के पहाड़ बीजेपी है, हो गया, हो गया, भ्रष्टाचार का चश्मा उतार के देखिए, सबसे बड़ा कूड़े का पहाड़ भाजपा से बना रहा है। चले ठीक है, ठीक है, ठीक है, समर भाई हो गया, समर भाई हो गया, समर भाई हो गया, समर भाई हो गया, प्लीज समर भाई हो गया, जवाब दीजिए बेर भाई, बेर भाई जवाब दीजिए। चले ठीक है, बेर भाई कुछ बोल रहे थे आप, बेर भाई बोलिए, अरे आप जवाब सुनने लायक नहीं है, चले ठीक है, ठीक है, ठीक है, बेर भाई समर भाई प्लीज, प्लीज सबको मत कहिए, प्लीज डिबेट खराब मत कहिए, सबको बोलना, सबको बोलना, ठीक है, बेर भाई बोलेंगे, बेर भाई कुछ बोल रहे थे आप, मिश्रा जी बोलिए जी। गौरव भाई मैं ये कह रहा हूँ जी कि एक खाद रसद विभाग की साइड है जिस पर जी। अरे वेद प्रकाश जी, आपके यहाँ कितने मुस्लिम नेता हैं जी, वेद प्रकाश जी आपके यहाँ कितने मुस्लिम नेता हैं आपकी पार्टी में जी, बता दीजिए। अरे भाजपा में मुस्लिम नेताओं ने क्या उखाड़ लिया, अरे बताइए, वंदा समाज में, वंदा समाज कर रहे थे किसानों के मुद्दे, कितने नेता बीजेपी में जी, आपका राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष कौन है, आप बात, आपका राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष बताइए, पार्टी का बात में बीच में नहीं बोल, अरे आप पसंद नहीं करते, आपकी पार्टी में मुस्लिम नेता कितने हैं, आपकी पार्टी में मुस्लिम नेता कितने हैं, पार्टी में बताइए,
तरीके से बहस नहीं करता जिस तरीके से आप बात करते हैं। पार्टी का मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप मेरी बात कर रहे हो, भ्रष्टाचार कौन नाम बताइए हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है? अरे जी आपके राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय सवाल भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे राष्ट्रीय जिलाध्यक्ष क्या होता भाई? अच्छा जवाब दीजिए तू मुसलमान में कहे जब पार्टी जब पार्टी का मान्यता खत्म हो जाएगी तो क्या होगा? वीर भाई बोल रहे हैं आपकी पार्टी की मान्यता रद्द हो गई है और मैं पूछ रहा हूँ अपना जो फैसला जारी कर रहा है 4 तारीख को यह करूँगा आपने क्यों ब्लॉक कर रखा है उसको? जो नहीं खोले वीर भाई वीर भाई सपा से मैं पूछ रहा आपसे वीर भाई बेर भाई मिश्रा जी अरे मिश्रा जी सुन लीजिए सवाल से कुछ पूछ रहा है आपसे सवाल पूछ रहा है आपसे पूरे सवाल का जवाब दे दीजिए आपकी पार्टी में मुस्लिम नेता कितने हैं? हाँ। और दूसरा सवाल ये है कि आपकी पार्टी का राष्ट्रीय जिलाध्यक्ष कौन है? मेरे यहाँ कौन नेता है? हमारे नेता में जाइए और वहाँ पढ़ करके देखिए। अरे कमल भाई क्यों ले रहे हो तकी भाई? आपको पता नहीं है आप केजरीवाल को हटा रहे हैं क्या? राजनीति करने वाले कौन होते हैं? केजरीवाल को हटा रहे हैं वाले किसको नेता है? आप कब बन रहे हैं आपकी सरकार में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? बीजेपी उत्तर प्रदेश में मुद्दा बयान कर दिया डिबेट में आप लोगों ने कितना महत्वपूर्ण मुद्दा था ठीक है चलो ठीक है सब मुद्दा बयान हो गए सब आरोप लगाओ मुझे सब पता है कौन कितने पानी में है गजन भाई बोलेंगे ठीक है मुझे सब पता है कौन कितने पानी में मुझे सबका काम पता है सबका कार्यकाल पता है दिल्ली मॉडल ही पता है यूपी मॉडल ही पता है स्मार्ट सिटी भी पता है और विकास भी पता ठीक है गजन भाई बोलेंगे चलो ठीक है हो गया हो गया हो गया गजन भाई बोलेंगे अच्छा पहलवानों के साथ ये लोग न्याय नहीं कर पा रहे हैं जी और दूसरे से पूछ रहे हैं कि आप अपने नेताओं की लिस्ट बताइए जी गौरव भाई देखिए ऐसा है भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना अपना 50 साल का एक जीत का स्ट्रक्चर पूरा बना के रख लिया अच्छा हार जीत होती रहती है प्लान ए प्लान बी पे लोग अपना अच्छा, काम अच्छा, रहते हैं देखिए एक इन्होंने काम किया माफिया को रौद देना उत्तर प्रदेश के अंदर ताली बजानी ये पूरे भारत में जाने जा रहे हैं ये बताइए योगी जी अपने एक काम से उत्तर प्रदेश के देखिए आप ऐसा है ना एक काम से पूरे देश में योगी जी जाने जाते हैं बुलडोजर बाबा अच्छा इनकाउंटर बाबा और बुलडोजर बाबा बुलडोजर बाबा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जा रहे हैं आज के डेट में इनकाउंटर बाबा ठीक है वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो आज के डेट में अमेरिकन महाद्वीप में मोदी जी के बाद योगी जी को लोग लाइक भी कर रहे हैं एनालाइज जीतने हैं लेकिन आप एक चीज से देखेंगे अगर ये अपने जो इनका दूसरा काम है दूसरे काम पर या पूरे तरीके से देश में फेल है अधिकार संविधान ने दिया प्लीज 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 बोले दीजिए आप जवाब दीजिएगा आप जवाब दीजिएगा उनको प्लीज अरे इनकी आवाज भी करिए ऐसा है सुनिए प्लीज सुनिए एकमात्र भ्रष्टाचार मुद्दा ऐसा है जी जो इनके दो नंबर की प्राथमिकता है दो नंबर की प्राथमिकता है सुन लीजिए के मुद्दे पर चाहे राष्ट्रीय हो और चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो भ्रष्टाचार में इनका प्लान ए फेल हो चुका है अच्छा अब ये प्लान बी पे कार्य कर रहे हैं अच्छा क्योंकि इनके पास में प्लान ए प्लान बी प्लान सी है सब होता है जैसे इनका स्ट्रक्चर आप देखते हैं ना पूरे भारतवर्ष की सारी पार्टियां जब एक साथ मिलकर लड़ेगी तब बीजेपी को हराई जा सकती है जी। और कोई रास्ता तो है नहीं देश में जी आज का स्थिति तो यही है ना जी जो कभी कालखंड इंदिरा जी के टाइम में था जी कि सारा विपक्ष एक होता था तब भी वो जीतती थी था ना यही स्थिति आज बीजेपी के साथ हो गया है जी लेकिन इनके साथ जो समस्या आ रही है जी जैसे कि कर्नाटक ये हारे जी तो क्या हुआ देश में एक माहौल बना कि इनको हराया जा सकता है इसमें कोई संशय नहीं है लेकिन उसी दिन उत्तर प्रदेश से खबर आती है कि इनको हराया नहीं जा सकता है क्योंकि आप एक बड़े राज्य को जीतते हैं
और वह राज्य इतना बड़ा है कि जहां से दिल्ली के दरवाजे खोले जाते हैं। भ्रष्टाचार अगर ये जैसे माफियाओं को इन्होंने, यही नहीं केवल योगी जी की बातें मैं कर रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय माफियाओं का जो देश के अंदर हस्तक्षेप था वो भी नगण्य हो चुका है, शून्य हो चुका है आज के दिन में। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के माफियाओं का भी यहाँ अब अस्तित्व समाप्त हो चुका है, उस पर मोदी ने काम किया है, अच्छा योगी ने काम किया है। तो यह जो कार्य यहाँ हुआ है इसके वजह से जनता इनको, देखिए जनता क्या सोच रही है भाई, 100 रोटी नहीं खाएंगे जी, 99 रोटी खाएंगे, 98 खाएंगे जी, 80 खाएंगे, 70 खाएंगे, लेकिन चैन से खाएंगे। ठीक है ठीक है, चैन से रहना चाहिए। हो गया बे पांडे, बोल लेते हैं बे पांडे, जल्दी बोलिए, समय हो गया। बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो प्लान बी है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं योगी के और मोदी जी के और अडानी जी के रिश्तों पे जो सवाल उठने लगा है देश में, उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए प्लान बी तो जरूरी है। अच्छा बिल्कुल सही बात इन्होंने कही कि अंतर्राष्ट्रीय माफिया खत्म हो गए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय माफियाओं से DHFL के मामले में इकबाल मिर्ची का नाम आया था, जिससे 10 करोड़ के चंदे भाजपा ने लिए थे और 13-14 में उसका बाकायदा हलफनामा दिया उन्होंने। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय माफियाओं से जब चंदे लेंगे, सुविधा शुल्क जब लिया जा रहा है तो उनको कम्फर्ट जोन तो दिया जाएगा, कहां लाने की बात हो रही थी, आज उस पर बात ही नहीं हो रही है। तो बात तो होगी, और सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या कहा था, काला धन, तो काला धन तो भाई ये बात तो सही है, सरकार ने सदन में कह दिया, पहले लाने की बात थी, अब इन्होंने सदन में कह दिया था पिछले कार्यकाल में कि भाई हमें नहीं पता कि कितना काला धन जमा है विदेशों में, और स्विस बैंक ने जो आंकड़े जारी किए उसके अनुसार तो पिछले मुझे लगता है कि 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ करके भाजपा सरकार ने 17 से 19 के बीच में जो काला धन जमा हुआ है वो स्विस बैंक का इतिहास बन गया है, समझिए। तो मुझे लगता है कि ठीक है आंकड़ों पे भी किसी दिन रख लीजिए, इसी पे चर्चा, आंकड़े तो ऐसे ऐसे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था को 10 साल समझाया जा सकता है, ऐसे ऐसे हैं कि मोदी अडानी पे बात ही करते, मणिपुर चल रहा है, मोदी विदेश यात्रा में लीन है, ये कौन सा प्रधानमंत्री है भाई, और चलिए कोई बात नहीं, देश देख रहा है, बहुत जल्दी कपड़े फाड़ेगा। लेकिन मेरे सवाल का जवाब ना मिला, मैं जाते जाते फिर वही पूछूंगा, उत्तर प्रदेश में पसमांदाओं को टिकट देने वाले क्या बिल्किस बानो के न्याय की लड़ाई की आवाज उठाएंगे, ठीक जो जीत कर खत्म बोलिए। देखिए बहुत अच्छी लोगों ने बहस की, अच्छा अच्छी का गर्मा गर्म बहस की, लड़ाई की आप लोगों ने, नारे लगा दिए। देखिए हमारा जो है डिबेट को राजनीतिक मंच बना दिया, पार्टी वही सत्ता में रहती है जी जिसके साथ जनता होती है। अच्छा ठीक है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से महाराष्ट्र में जनता थी, गोवा में थी, तेलंगाना में थी, नहीं जान तोड़ खरीद फरोख करके सरकार बनी, मध्य प्रदेश में थी, बताइए ना, कम से कम तमिलनाडु में थी, कर्नाटका में थी, बताइए तो, कम से कम 24 में आप जोड़ तोड़ खरीद नहीं लगाओगे। चले हो गया यहाँ केवल बयान चलेगा, ठीक है हो गया। आप सभी का चर्चा में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यहाँ चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी, और चर्चा थी यहाँ पर चुनाव को देखते हुए रैलियां, जनसभाएं, जनसंपर्क अभियान होंगे, संवाद स्थापित किए जाएंगे, पर जनता के मुद्दों की बात कौन नहीं करेगा, कौन करेगा, सत्ता पक्ष या विपक्ष? और फिलहाल यहां पर दोनों ही ये बात करते नजर नहीं आ रहे हैं। आने वाला समय देश में, उत्तर प्रदेश में केवल राजनीति के लिए जाना जाएगा, जनसभाओं के लिए, रैलियों के लिए, ताबड़तोड़ व्यवस्थाओं के लिए, और जनता से जनसंपर्क अभियान कराने के लिए, अपनी नीतियां पहुंचाने के लिए, अपनी योजनाएं पहुंचाने के लिए। पर वास्तव में जनता को दिक्कतें क्या है, दर्द क्या है, समस्याएं क्या है, अनुभव कैसे हैं उनके, ये कोई जानना नहीं चाहता। सत्ता सब पाना चाहते हैं, मेहनत करना कोई नहीं चाहता, और जब तक संघर्ष नहीं होता है तब तक परंपराएं नहीं बदलती हैं। हमारा देश में ऐसे प्रभावशाली व्यवस्थाएं रही हैं, ऐसी इतिहास रहे हैं कि बड़ी से बड़ी सत्ता को भी उखाड़ के फेंक दिया है, वो फेंकने वाली है जनता जनार्दन, और जनाधार देने वाली है जनता जनार्दन। जनता ने जब जब सरकारों से अपने आप को अलग किया है, वो सरकार केंद्र में हो और चाहे राज्य में हो चली जाती है, फैसला यहाँ पर जनता करती है, और जनता के कई फैसले हम में देख चुके हैं, और हवाई हाल के कई फैसले आए हैं, वो सबक है, अनुभव है उन पार्टियों के लिए जिन्होंने उसमें संघर्ष किया है, जिन्होंने जीत हासिल की है, और जिन्होंने उसमें हार हासिल की है। हार भी अनुभव देती है, जीत भी अनुभव देती है, पर संघर्ष जरूरी है जनता के लिए। तभी तो ये बहुत अच्छी बात कही गई है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, कम से कम संघर्ष करिए, जनता के मुद्दों के लिए लड़िए, जनता जनाधार भी देगी, व्यवस्था बदलेगी, और जिस चाहे में आप हैं उस चाहे को पूरा भी करेगी। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो